Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you moral science of class 6th. I will be teaching chapter number 7 of your textbook, which is Thankless Goldsmith. So children, this story is about a hermit. Hermit means sadhu ya sant jo hote hain, unko hum log hermit kehte hain. So there was a hermit who was passing by a forest. And then when he felt thirsty, he went to a well, but when he saw that the well was dry, and inside the well he saw there was a man, there was a tiger, a monkey and a snake. And they told ki they have fallen in the well. And now they pleaded the hermit that please help me to come out of the well. One by one, they all pleaded and said कि please मुझे बाहर निकाल लो और मैं आपको हमेशा इसका कुछ ना कुछ जो भी आप in return मैं favor आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा. तो the hermit first of all said उसने सबसे पहले tiger से कहा. Tiger's name was Sher Singh. तो he said कि if I take you out of the well and what if you eat me? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझे मार के खा लो. तो he said कि नहीं, I am going to return you the favor in whatever possible way I can. इसी तरह सबने अपना अपना कहा कि ठीक है, हम चाहते हैं कि please आप हमें निकाल लें बाहर और हम आपको किसी ना किसी तरह जब भी आपको हमारी help की जरूरत होगी we will definitely help you out. तो the hermit said कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बाहर निकाल लेता हूँ. उसने शेर सिंह को बाहर निकाल लिया, then वानर was the monkey, उसको बाहर निकाल लिया, then नाग was the snake, उसको भी बाहर निकाल लिया, and at last was the man left inside the well. और उसने कहा कि please मुझे भी बाहर निकालिए, आपने सबको बाहर निकाल लिया है, please हमें भी बाहर निकालिए. But शेर सिंह, वानर and नाग they all warned the hermit. उन्होंने कहा कि आप एक बार सोच लो, उस मैन को बाहर निकालने से पहले आप एक बार सोच लो, बिकॉज हमें नहीं लगता कि वो ऐसा आपको फेवर रिटर्न करेगा या एज सच. तो बट द मैन वॉज कंटिन्यूसली प्लीडिंग एंड सेइंग. तो उसने कहा कि आई एम अ गोल्ड स्मिथ एंड आप हमसे जब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप हमसे गोल्ड ले सकते हो. सो इन दिस वे खैर उसने निकाल लिया. हर्मिट को भी थोड़ा सा पिटी उसके ऊपर आ गई कि चलो ठीक है, मैं आपको भी बाहर निकाल लेता हूँ. एंड द ओल्ड मैन वॉज ऑल्सो आउट ऑफ द वेल नाउ. सबने अपने अपने प्रोमिसज कर लिया, सबने उसको इन्वाइट किया कि आप हमारे यहाँ आइएगा और हम अपनी अपनी जगह सबने उसको बुला लिया कि ये देखिए ये मेरा डेन है, शेर सिंह ने कहा. एंड देन सब लोग इसी तरह से चले गए. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, जब एक बार व्हेन द हर्मिट वाज ही रिमेम्बर्ड आफ्टर फ्यू वीक्स ही रिमेम्बर्ड कि अच्छा इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था तो लेट्स जस्ट गो एंड मीट देम. सो ही वेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द वानर दैट मीन्स द मंकी. तो मंकी ने भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया. उसने वो मैंगो ट्री पर रहता था तो उसने मैंगोज भी दिए कि लीजिए आप मैंगो खा लीजिए. उसके बाद कैश्यू नट्स भी दिए, बनाना दिए. सो दीज वर द थिंग्स, दिस इज हाउ ही रिटर्न द फेवर. एंड देन द हर्मिट वेंट टू शेर सिंह. शेर सिंह के पास वो गया तो शेर सिंह ने उसको एक गोल्ड नेकलेस दिया. शेर सिंह सेड कि वाइल द प्रिंस वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट आई किल्ड हिम एंड आई हैव गॉट दिस गोल्ड नेकलेस एंड दिस इज द नेकलेस ऑफ द प्रिंस एंड आई एम गिफ्टिंग यू एज द फेवर, रिटर्न फेवर, कि आपने मेरी जान बचाई थी और आपने मुझे उस वेल से बाहर निकाला था. सो द हर्मिट थॉट कि अब मुझे इस नेकलेस का क्या काम होगा, मैं तो वैसे भी साधु हूँ और मुझे नेकलेस का क्या काम होगा. तो ऐसा करता हूँ मैं इस नेकलेस को लेकर गोल्ड स्मिथ के पास जाता हूँ, उसी गोल्ड स्मिथ के पास, और इस नेकलेस को उसको सेल कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसका काम नहीं है, लेकिन वो उस गोल्ड स्मिथ के डेफिनेटली काम आ जाएगा. ही वेंट टू द गोल्ड स्मिथ एंड देन ही सेड दैट आई वॉन्ट टू सेल दिस नेकलेस एंड शेर सिंह हैज गिवन मी दिस एंड ही टोल्ड कि ही हैड किल्ड द प्रिंस एंड नाउ ही हैज गिवन द नेकलेस टू मी. तो द गोल्ड स्मिथ वॉज वेरी यू नो नॉट अ वेरी गुड पर्सन. सो ही सेड कि अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए आपको इतने इतने अमाउंट दूंगा. एंड ही वेंट और जल्दी से वो गया
और उसने सुना हुआ था कि किंग हैज सेड कि अगर कोई भी उसके बेटे के प्रिंस वाज नॉट देयर, प्रिंस डिसअपीयर हो गया था एंड द किंग वांटेड टू नो कि आखिर वो कहाँ गया है उसका बेटा, उसका जो प्रिंस था, वेयर इज ही. And he said he had announced that if somebody brings the news of his son, then he will award and reward that person. तो गोल्डस्मिथ जल्दी से भागते हुए गया किंग के पास और उसने कहा कि ये देखिए मेरे पास एक हर्मिट आया है मनु और उसने ये कहा है कि ये उसको शेर सिंह ने दिया है. अब लॉजिकली सोचिए कि शेर सिंह कैसे, मतलब कोई टाइगर कैसे किसी को नेकलेस दे सकता है. ये डेफिनेटली झूठ बोल रहा है ये मनु जो हर्मिट है. एंड I am very much sure कि प्रिंस को इस हर्मिट ने ही मारा होगा. This is what the goldsmith told the king. The king was very very angry and he said his courtiers and all अपने सब soldiers से कहा कि जल्दी से हर्मिट को यहाँ पर लेकर आओ मेरे कोर्ट में. And he was immediately sent to the prison. और कहा गया कि next morning he will be given death sentence. उसको सुबह मौत की सजा हो जाएगी. The hermit came to know, उसको पता चल गया कि गोल्डस्मिथ ने उसके साथ इतना बुरा किया है. Now he remembered the नाग. उसने सोचा कि मैंने नाग ने भी मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो I will definitely come and help you. He called the नाग and the नाग entered the prison through the small hole. तो हर्मिट ने उसको पूरी चीज बताई एंड नाग ने कहा कि प्लीज डू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी गोइंग एंड बाइटिंग द Queen. I will go and bite the queen and the queen will look dead. और उसके बाद जब कोई उसको ठीक नहीं कर पाएगा तो आप इतने जो saint हो आप definitely उसको जैसे ही forehead पर touch करोगे she will come back to life. And when the king will see this he will definitely be very much impressed by this and वो आपको आपकी ये जो सजा है इसको खत्म कर देगा. तो उसने guard से बता दिया कि ऐसा ऐसा है. स्नेक वेंट एंड उसने उस क्वीन को बाइट कर लिया एंड द क्वीन वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर. व्हेन द किंग केम तो किंग ने सबको बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, मैजिशियंस को बुलाया, हर तरह से वो ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह क्वीन को बचाया जा सके बट नोबडी वॉज एबल टू सेव द क्वीन. अल्टीमेटली द गार्ड सेड कि जो मनु है, मनु ने ये चीज कही है, उसने ये क्लेम किया है कि ही कैन सेव द क्वीन इफ यू अलाउ. द किंग सेड कि यस डेफिनेटली आई अलाउ हिम टू कम आउट एंड वो भी ट्राई कर ले. एज सून एज द हर्मिट टच्ड द फोरहेड ऑफ द क्वीन शी केम बैक टू लाइफ. द किंग वॉज सो मच हैप्पी एंड ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड. He rewarded the hermit. His death sentence was also cancelled, and he made the hermit as the prime minister of his court. So, children, the moral of the story that we get is that he, जिस तरह से उसने help किया था, आपने देखा कि सबकी help किया था hermit ने, लेकिन अल्टीमेटली उस गोल्डस्मिथ ने क्या किया, वो उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं था और उसकी वो चीज पकड़ी गई. व्हेन द किंग केम टू नो कि हाँ इसने इस तरह से किया है, चीट किया है, तो किंग ने उसको मतलब उल्टा ही क्या हो गया कि उसने किंग ने उस गोल्डस्मिथ को ही सजा दी. ही वॉज पनिश्ड. ओके सो मॉरल दैट वी गेट इज दैट अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है, इफ समबडी इज पुटिंग एफर्ट्स In order to help you, you should be grateful to that person. आपको उस चीज़ के लिए thankful होना पड़ेगा. आप इतना selfish नहीं हो सकते कि किसी ने अगर आपकी help किया है तो आप उसको in return इस तरह से backstab करें. So this chapter was all about the gratitude and thankfulness that we have to show if somebody comes forward and helps us. So I think you must have understood the chapter and you I hope you will inculcate the lesson in your life. The notes will be provided on School Mitra app. You can download from there and complete your work. And I'll meet you in my next video with the next chapter and another great lesson. Till then, take care everyone and bye-bye.